ओके सो एडिटिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज का वीडियो का स्पॉन्सर्ड बाय लोल गेमिंग। सो इस बंदे का चैनल हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाके विजिट करो, चैनल को देखो, चैनल के कंटेंट को देखो, तभी सब्सक्राइब करो। सो लोल गेमिंग का चैनल बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है। सो ये है स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो जो भी स्पॉन्सर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है, इंस्टाग्राम पर जाके डीएम करो, इजीली प्रमोशन हो जाएगी। वो है पेड वर्जन, और जो भी फ्री में कर सकते हो, पेड नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए एक अलग सा एक वीडियो बना के रखा हो आई बटन में, वो आप सभी लोग देखो उस वीडियो को। पसंद आए तो उस वीडियो के अंदर आप सभी लोग फ्री में भी प्रमोशन कर सकते हो, या फिर जो को भी पेड करना चाहते हो उसका पहले होगा। सो बढ़ते एडिटिंग के और वीडियो को इंजॉय करो। ओके सो आप सभी लोगों का मूव करेक्टर ग्लो इफेक्ट्स कैसे डालोगे खुद के वीडियो के अंदर। सो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग देखो रिकॉर्ड कौन सी जगह पे करोगे, ठीक है। सो मेन जो मैटर आती है वो है गाइस, आप सभी लोग देख सकते हो ये रिकॉर्डिंग के ऊपर। सो मैं बता दूँ कौन सी जगह पे आप सभी लोग रिकॉर्डिंग करोगे। सो ये देख सकते हो, ये जैसे कि एक कलर, ठीक है, ये जो मैदान है, ठीक है, ये मैदान एक ही कलर का है। सो इस जगह पर मैं भाग के सीधा जाऊँगा। सो ऐसा कुछ आप सभी लोगों को ले लेनी है। और जैसे ये ग्रीन कलर, ठीक है, जो मैं मैदान में जाऊँगा, या नीचे देख सकते हो ऐसा कुछ ग्रीन कलर आप सभी लोगों का गेम प्ले के अंदर होगा। सो ऐसा या ऐसा कुछ आप सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर आप सभी लोग कर सकते हो। और कौन सी जगह पे नहीं कर सकते हो मैं बता दूं, जैसे कि ये देख सकते हो मैं इस जगह से जा रही हूँ, ये इसके ऊपर बैठ गया। सो ये कलरफुल जो जगह होती है उसके ऊपर आप सभी लोगों को नहीं करना है। जो आप सभी लोगों का कैरेक्टर की कलर अलग हो या बैकग्राउंड जो भी कलर आए, ठीक है, ये देखो गाइस मैंने जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस जगह पर चारों साइड से ये बैकग्राउंड ये ग्रीन कलर की है और मेरी कैरेक्टर अलग है। सो आप सभी लोगों को ऐसा कर लेनी है। और जैसे मैं बता दूं मैं इस जगह पे करूँगा, सो अब गाइस देखो ये चारों साइड से कुछ अलग अलग कलर है, जैसे कि इस जगह पे कुछ ज़्यादा है येलो येलो कलर और लेफ्ट साइड में कुछ दूसरा दूसरा कलर, ठीक है। आप सभी लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप सभी लोगों को सिंपल सा करना है। क्यों? सो मैं इस जगह से बता दूँ, ऐसे देखो मैं भाग के जा रहा हूँ, इस जगह पर मैं जो कोई भी मूवमेंट करूँ बहुत ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो इफेक्ट्स देने लग जाएगा। सो ये था आप सभी लोगों का रिकॉर्ड के मतलब, रिकॉर्ड कौन सी जगह पे करोगे, कौन सी जगह पे आप सभी लोगों को नहीं करना है। सो मैं फिलहाल चले जाता हूँ किनेमास्टर के अंदर, और किनेमास्टर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली जाकर डाउनलोड करो और इंजॉय करो। ओके सो किनेमास्टर आप सभी लोगों को ओपन कर लेने के बाद इस जगह पर इम्पोर्ट कर लेनी है खुद का गेम प्ले। सो मैं मेरे मुताबिक हमारी जो जगह होती है उसको मैं ले लूँगा। सो इस जगह से हम लोग ले लेते हैं सो स्प्लिट, और जितना दूर हमारी चाहिए उतना दूर ले लेंगे। आप सभी लोग चाहो तो जो कोई भी पोजीशन में ले सकते हो। सो जो भी क्लिप होगी उसको मैं एक बार फुल स्क्रीन में जूम कर लेता हूँ, क्योंकि चारों साइड से ब्लैक कलर की एक्स्ट्रा बार आती है। सो इसको मैं फिलहाल जूम कर लूँगा। ओके डन। सो जितना हुआ है आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। अब कैसे ये कैरेक्टर ग्लो कैसे दोगे, ठीक है। सो सिंगल जो कैरेक्टर ग्लो होगी, ठीक है, यही कैरेक्टर और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तीनों कैरेक्टर मतलब यही कैरेक्टर का तीनों पार्ट। सो मैं एक एक करके बेसिस कर आप सभी लोगों को समझा देता हूँ, आप सभी लोग देखो। सो आप सभी लोग सपोज देखो इस जगह से मेरे को कैरेक्टर ग्लो चाहिए, जैसे इस जगह से। सो हम लोग कर देंगे इस जगह पर एक मार्क कर देंगे, और मार्क करने के बाद आप सभी लोगों का इंटरनेट ऑन होनी चाहिए, और लेयर के अंदर टैप करो, और इस जगह से इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के अंदर टैप करने के बाद ये गेट मोर आप सभी लोगों का इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप सभी लोगों का यहाँ पे हो सकती है या फिर नीचे भी हो सकती है, जिसका वर्सन जैसा होगा किनेमास्टर का वैसा ही दिखाएगा। सो ये नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो हम लोग फिर से चले जाएंगे, या फिर मैं इंटरनेट को बंद करके एक बार फिर से चालू करूँगा। सो तब सच हो गई है। अब बस मैं गेट मोड में फिर से टैप करूंगा। सो बार बार ये नेटवर्क करेक्टिंग दिखा रही है, मैं एक बार इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ, ये जरूर से ठीक हो जाएगी। सो किनेमास्टर फिर से आप सभी लोग ओपन कर लेनी है। अब बस हमारी जो प्रोजेक्ट थी उसके अंदर हम लोग चले जाएंगे। सो जिस जगह से हम लोगों ने मार्क किया था उस जगह पर चले, लेयर के अंदर टैप, इफेक्ट्स में क्लिक और गेट मोड में क्लिक कर दो। अब बस देखो यह कुछ नेटवर्क कर फिर से दिखा रही है। अब गाइस ऐसा कुछ दिखा है, इसका सॉल्यूशन मैं बता दूं, आप सभी लोगों को एक वीपीएन डाउनलोड कर लेनी है। सो मैं सिक्योर वीपीएन को यूज़ कर रहा हूँ। आप सभी लोग चाहो तो बहुत सारा वीपीएन मिल जाती है, सिक्योर वीपीएन, टर्बो वीपीएन, आप सभी लोग जो कोई भी पसंद हो एक वीपीएन को डाउनलोड करो, और एक बार जो कोई भी सर्वर मिले कनेक्ट कर देना। सो कनेक्ट कर लेने के बाद ये किनेमास्टर एक बार क्लोज कर देनी है आप सभी लोगों को, और फिर से ओपन कर लेनी है किनेमास्टर। और किनेमास्टर ओपन कर लेने के बाद फिर से आप सभी लोगों को इसको ओपन कर लेनी है,
ओपन कर लेने के बाद जिस जगह से हम लोगों ने शुरू करूंगा हम लोग उस जगह से चले जाएंगे लेयर के अंदर टैप इफेक्ट्स में टैप। अब गाइस सबसे भी लोग ये गेट मोड में क्लिक करो। अब ये कोई नेटवर्क कनेक्शन इरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लोड लेगी लेकिन कोई नेटवर्क कनेक्टिंग की इरर नहीं आएगी। बहुत सारे बंदे लोग नेटवर्क कनेक्टिंग के वजह से ये ओपन ही नहीं होता है। सो थोड़ा सा वेट कर देनी है इस जगह पर। सो वेट आप सभी लोग कर लो। सो ये थोड़ा देर वेट कर लेने के बाद आप सभी लोगों को इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाएगा। अब गाइस आप सभी लोग इस जगह से ये ब्लर के आइकन में क्लिक कर दो और थोड़ी सी और भी लोडिंग लेगी। सो ये लोडिंग होने देनी है। ये किस वजह से ले रही है मुझे भी नहीं पता, आज ये दिखा रही है। आप सभी लोग एक बार VPN को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सो ये ब्लर के अंदर टैप नहीं गाइस, कलर के अंदर टैप, ठीक है। आप सभी लोग देखो इफेक्ट्स के अंदर टैप, उसके बाद कलर के अंदर टैप, और ये कलर के अंदर टैप करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगी। सो ये देख सकते हो नियॉन इफेक्ट्स, ठीक है। नियॉन ये वाला आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। सो नियॉन इफेक्ट्स डाउनलोड करने के बाद इस जगह से प्रोसेसिंग होगी, इंस्टॉल में क्लिक कर दो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब गाइस जिस जगह से आप सभी लोग शुरू करोगे उस जगह पे चले जाओ, लेयर के अंदर टैप और इफेक्ट्स के अंदर टैप, और इस जगह से आप सभी लोग नियॉन जो इफेक्ट्स है उसको आप सभी लोग फर्स्ट वाला सिलेक्ट करो। सो सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखाएगा। अब गाइस सिंपल सा एक बार डन कर दो। डन करने के बाद ये नियॉन जो इफेक्ट्स है इसको सिलेक्ट करो एक बार, सेटिंग्स के अंदर टैप, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को आप सभी लोग जीरो करो, ठीक है। और इसका नीचे चले जाओ, इसका नीचे देखो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आप सभी लोग जीरो करो, और ये जीरो कर लेने के बाद आप सभी लोग एक बार बैक चले जाओ। और इस जगह से आप सभी लोग इसका जो साइज़ होगी, ये कैरेक्टर जितना दूर है आप सभी लोगों का इतना दूर ही आप सभी लोगों का जो ये इफेक्ट्स है इसको अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब गाइस अप्लाई करने के बाद आप सभी लोग ये शेप में क्लिक कर दो, और इसको ये जो फेदर है फेदर को आप सभी लोग 50 कर दो। अब गाइस आप सभी लोग देखो इसको थोड़ा सा मैं और जूम बड़ा कर देता हूँ। सो ये देखो कैरेक्टर के ऊपर ही आप सभी लोगों का एक ग्लो इफेक्ट्स आ चुकी है। सो इसको मैं जब भी प्ले करूँगा ये देखो कैरेक्टर ग्लो इफेक्ट्स रनिंग कैरेक्टर ग्लो इफेक्ट्स आप सभी लोग कैसे दोगे सीख गए हो। अब गाइस मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने बहुत टाइम पहले बताया था मतलब 2 मिनट पहले, इसका तीनों मतलब दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आप सभी लोग जिस जगह से चाहो उस जगह पे एक वीडियो के अंदर टैप और इसको स्प्लिट कर दो, और इसको फिर से टैप और ये 3 डॉट में क्लिक लेफ्ट साइड में डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। आप सभी लोग लेयर करने के बाद इसको आप सभी लोग सिलेक्ट करने के बाद ये क्रॉपिंग में जाके इसका लेयर को आप सभी लोग कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, ठीक है। ऐसे छोटा करके जितना दूर आप सभी लोगों का कैरेक्टर दिखे उतना दूर ही आप सभी लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है और ज़्यादा कुछ नहीं, और डन। सो डन करने के बाद इसको आप सभी लोग जितना दूर आप सभी लोगों का कैरेक्टर है जितना बड़ा उतना दूर बड़ा करो, और इसको आप सभी लोग थोड़ा सा राइट साइड में ले जाओ, और इसको आप सभी लोग चले जाओ ये क्रॉपिंग में जाके इसको इनेबल, और इसका भी फेदर को हम लोग 50 कर देंगे, ठीक है। सो 50 करने के बाद आप सभी लोग देखोगे साइड में और एक कैरेक्टर आ चुके हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। अब गाइस आप सभी लोग इस जो कैरेक्टर है इसको आप सभी लोग फिर से सिलेक्ट करो, 3 डॉट में क्लिक डुप्लीकेट, और इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हो तीनों कैरेक्टर, ठीक है। सो इसका मैं मतलब बता दूँ ये तीनों कैरेक्टर दिखा रही है। सो इसका आप सभी लोग ये जो नियॉन इफेक्ट्स है इसको आप सभी लोग सिलेक्ट करो और ये 3 डॉट में क्लिक और ये डुप्लीकेट, ठीक है। सो डुप्लीकेट करने के बाद इसको आप सभी लोग पकड़ के सेकेंड वाली जो आप सभी लोगों का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ले जाओ, और फिर से इसको 3 डॉट में क्लिक और फिर से डुप्लीकेट, और फिर से इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो राइट साइड में जो कैरेक्टर है उसके अंदर ले जाओ। सो इतना दूर ले जाने के बाद आप सभी लोग एक बार फर्स्ट से लेके प्ले करके देखो आप सभी लोगों का 3 कैरेक्टर गोलो दिखाएगी। सो जो भी रनिंग कैरेक्टर गोलो सीख गए हो तो बहुत ही बढ़िया, और इसका डिमांड आई थी आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स से। सो कमेंट बॉक्स में मैं पिकअप करता हूँ, जिसका भी कमेंट मुझे अच्छी लगती है उसका लिए एक अलग से वीडियो आ चुकी है आ जाती है। सो जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपकमिंग आप सभी लोगों को जो कोई भी कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और प्रमोशन का भी वीडियो है हमारे आई बटन में, उस वीडियो को देखो, खुद का चैनल कैसे प्रमोशन कराओगे वो आप सभी लोग सीख जाओगे। सो इसको मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।